कैसे हैं मेरे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से खैरियत से हूँ। तो अल्लाह ताला के करम रहे रहमतें बरकतें हम पे अल्लाह ताला नाजिल फरमाए। और ये आज हम बनाने लगे हैं, आज की रेसिपी शुरू करने लगे हैं। तो सलामत रहें, शादोआबाद रहिए। देखें कि हमने आज बनाना है टींडे गोश्त। ये आधा किलो मैंने टींडे लिए, आधा किलो मैंने चिकन लिया, और ये इसमें जाएंगे सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और पिसा धनिया, और ये जाएगा इसमें एक प्याज। ये लिया है मैंने टमाटर ग्रैंड किया हुआ, दो सब्ज़ मिर्चें, और ये जाएगा एक चम्मच अदरक लहसुन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम शुरू करने लगे हैं। ये देखें ये ऑयल जा रहा है इसमें। अब जाएगा इसमें प्याज। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्लाह ताला की कुदरतें, कितनी प्यारी सब्जियां, क्या क्या खाने को हमें अल्लाह मियां देता है, हरी भरी चीज़ें। टिंडे तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्याज ज़रा पिंक हो जाए फिर मैं इसमें लहसुन अदरक और चिकन डाल दूँगी। ये हो गया हल्का सा, अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। ये देखिए ये हल्का सा हो जाए सोते तो फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये जा रहा है इसमें चिकन। आधा किलो टींडे और आधा किलो चिकन है, बहुत अच्छे लगते हैं ये, बड़ी प्यारी सीजन की सब्जी है, बहुत अच्छी लगती है, बड़ी मज़े की बनती है। एक इसके साथ माड़ू भी मिलते हैं, वो भी बड़े अच्छे गोश्त में बनते हैं। ये जा रहे हैं इसमें सारे मसाले। साथ ही इसके लिए चला जाएगा टमाटर। ये देखिए
अब मैं दे दूंगी इसको एक कप पानी, ताकि ये इसमें थोड़ा हो जाए, मसाला अच्छे से डल जाए, फिर भून के हम इसमें कीड़े डाल देंगे। ये हमने रख दिया इसके ऊपर ढक्कन। अब मिलते हैं भूनने के वक्त। ये देखिए ये गल गया मसाला इसका, तो चिकन भी गल चुका है। तो मैं अब इसकी बनाई कर रही हूँ भून के, फिर मैं इसमें टीडे डाल दूँ। देखिए कितना अच्छा हो रहा है। भून चुका है, इसकी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें मैं सब्जी डाल देती हूँ। बड़ा मजे का टिंडे गोश्त बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जा रहे हैं जी इसमें टिंडे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन जबरदस्त। ये देखिए ये देखिए, फिर अल्लाह ताला की नेमतें, कितनी प्यारी नेमतें देता है हमें। हमें क्या क्या खाने को नहीं मिलता। तो हल्का समय पानी का छींटा दे के दम पे लगा देंगे। ये देखिए जनाब, इसको ढक के रख देंगे, ये आराम से दम में हो जाएंगे। ये देखें जी, ये पक चुके हैं टिंडे गोश्त। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो नाजरीन ये देखें, ये हमारा बड़ा अच्छा सा टिंडे गोश्त तैयार हो गया है। बहुत मज़े का, मैं देखे तो सही ज़रा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमने आज की रेसिपी, जीते रहें, खुश रहें, सेहत वाली ज़िंदगी जिएं, परेशानियों से दूर रहें, बलाओं से दूर रहें। अल्लाह ताला आप पे हर तरह का रहम करम रखे। तो ये दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम हाज़िर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।